पर इस वक्त खबर इलाहाबाद से आ रही है, जहां एक निजी स्कूल में राष्ट्रगान पर राष्ट्र विरोधी राग यहां पर सुनाई दिया। राष्ट्रगान को लेकर स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल में विवाद हुआ। प्रबंधक ने 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रगान की इजाजत नहीं दी। प्रधानाध्यापिका समेत 8 शिक्षिकाओं ने स्कूल छोड़ दिया है। तो यहाँ पर ये बड़ा मामला सामने आया है। रविंद्र कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो रविंद्र, जरा विस्तार से बताएं क्या कुछ विवाद हुआ है यहाँ पर। प्रीति, देखिए, ये इलाहाबाद के एनी कॉन्वेंट स्कूल, जो कि दरिया बगाड़ा में स्कूल स्थित है, यहाँ के प्रबंधक और जो प्रधान अध्यापिका है और शिक्षकों हैं, जो उन तैयारी कर रहे थे 15 अगस्त के प्रोग्राम को लेकर। 15 अगस्त के प्रोग्राम में जिस तरीके से कार्यक्रम रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं, उसको लेकर ये तैयारियां चल रही थी और बच्चों को राष्ट्रगान और साथ ही वंदे मातरम और साथ ही जो है सरस्वती वंदना के लिए जो प्रोग्राम इन लोगों ने बनाया था, उसको लेकर जब प्रबंधक के पास ये समिति गई थी, तो समय प्रबंधक ने इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है पूरी तरीके से मजहबी है और मजहबी रंग है, एक तरीके से कहा जाए ये सब चीजें, तो इसको न रख के इजाजत जब नहीं दी, इसको लेकर प्रधान अध्यापिका सहित 8 करीबन शिक्षक उन्होंने जो है अपना स्कूल छोड़ दिया है और इसको लेकर अब ये जो है बवाल खड़ा हो गया है, विवाद दोनों में है। हालांकि स्कूल छोड़ने के बाद बीएसए और प्रशासन अमला में जो है हड़कंप मचा हुआ है, सभी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, अब इस पर जांच बैठाई गई है। रविंद्र, थोड़ा स्पष्ट जानना चाहेंगे, राष्ट्र गान को लेकर विरोध है, राष्ट्र गीत को लेकर? आप प्रीति, देखिए, इसमें पूरी तरीके से उन्होंने जो प्रबंधक हैं स्कूल के, उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रगान जो है एक तरीके से मजहबी है और ये मजहब को कहीं ना कहीं वो दर्शाता है, जिसको लेकर उन्होंने इजाजत देने से इनकार किया था, जिसको लेकर प्रधान अध्यापिका सहित जो वहाँ की शिक्षिका है उन्होंने उनको नाराज हो गई थी और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका जानकारी के लिए। अपराध चाहे कितना पुराना हो, अपराधी चाहे कितना ही नामी और शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। जी हाँ, जाने माने हास्य कलाकार कपिल शर्मा के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करने वाले राम अभिषेक सिंह को यूपीएसटीएफ ने हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला दरअसल साल 2009 का है। आजमगढ़ के मेहनाजपुर थाना इलाके में एक हत्या हुई थी, जिसमें राम अभिषेक सिंह बातचीत चल रहा था, उसके ऊपर बाकायदा 30,000 का इनाम भी घोषित था। वो 2009 से कभी केरा सिंह, कभी रोहित सिंह जैसे नामों से अपनी पहचान छिपाए हुए था और कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के लिए स्क्रिप्ट लिखता था। यूपीएसटीएफ ने फिलहाल उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। ये 6-7 साल पहले करीब एक अभियुक्त के यहाँ से केरा सिंह फरार हुआ था, उस पर 30,000 रुपए का रिवार्ड घोषित किया गया था डीजीपी महोदय द्वारा। उसके संबंध में सूचना मिली थी कि वो बॉम्बे में नाम बदल के रह रहा है और एसटीएफ की टीम ने उस पर काफी काम किया और हमारे यहाँ से हुक तहरी गई, जो नाम बदल रहा था उसको भी उसको डिफाया, उसको जो है किया गया उसको, और एसटीएफ ने उसको कल गिरफ्तार किया भेजा गया। और मिशन यूपी पर बीजेपी का मंथन चल रहा है। झांसी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आगाज है। 2 दिवसीय बैठक में पार्टी की रणनीति पर चर्चा हो रही है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य यहां पर मौजूद हैं। साथ ही यूपी से चुने गए सभी बीजेपी के सांसद, केंद्रीय मंत्री भी इसमें मौजूद हैं। 7 अगस्त को गृह मंत्री राजनाथ सिंह बैठक में हिस्सा लेंगे, यानी कि कल, और 600 से ज्यादा बीजेपी संगठन के नेता भी बैठक में मौजूद हैं। और खास तौर पर जो यहां पर फोकस है, जो यहां पर कह सकते हैं कि जिस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वो है नौजवान, महिला और किसान और इनकी बदहाली। बैठक में कृषि और राजनीति पर भी प्रस्ताव पास हो रहे हैं। तो फिलहाल अब यूपी में बीजेपी पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई है, बैठकों का दौर चल पड़ा है। कार्य समिति की बैठक का आगाज हो चुका है और 2 दिन तक ये बैठक चलेगी, आज और कल। पार्टी की रणनीति पर इसमें चर्चा हो रही है और आपको बता दें कि इसमें प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं और उनके अलावा जो भी सांसद हैं बीजेपी के यूपी से, सांसद और केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और कल यानी कि 7 अगस्त को गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो 600 से ज्यादा बीजेपी संगठन के नेता बैठक में मौजूद हैं। जो खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, महिला, नौजवान और किसानों की बदहाली पर ध्यान दिया जा रहा है। कृषि और राजनीति पर प्रस्ताव यहां रखे जा रहे हैं। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक जो चल रही है झांसी में। प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने जो है दीप प्रज्वलित कर जो है बैठक का शुभारंभ किया और इस मौके पे आप देख सकते हैं कि प्रदेश के सभी सांसद मंत्री मौजूद हैं और बैठक का शुभारंभ हो गया है। और बैठक में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे, जो राजनीतिक होगा और कृषि से संबंधित होगा।
दोनों प्रस्तावों पर जो है भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता और तमाम नेता जो है इस पे मंथन करेंगे, इस पे विचार करेंगे और आगामी 2017 के चुनाव को लेकर जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी झांसी से शुरू कर रही है उसको लेकर भी यहाँ गहन चर्चा होना है और आगामी 2017 के विजय पताका फहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कमर कर चुकी है और इसी कमर कसने के चलते जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम नेता काफी उत्साहित हैं। आप देखना यह है कि आगामी 2017 में इस बैठक में कहां तक ये सफल होते हैं, इसके लिए 2017 के चुनाव ही तय करेंगे। शकील अली हाशमी, समाचार प्लस। तो हमारे संवाददाता जो तस्वीरें दिखा रहे थे जहाँ बैठक शुरू हो चुकी है झांसी में, और ये देख सकते हैं आप जब बैठक का औपचारिक तौर पर यहां पर आगाज हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित जी उपाध्याय के चित्रों के सामने दीप प्रज्वलित किया गया। ओम माथुर और उसके साथ ही यहां पर नजर आ रहे हैं बीजेपी के कई दिग्गज नेता। और वहीं जेडीयू के दिग्गज नेता शरद यादव ने सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर दे दिया है एक बेहद विवादास्पद बयान। कानपुर में जेडीयू की रैली के लिए पहुंचे शरद यादव ने कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है और जिसका उदाहरण है कांवड़ियों की बढ़ती भीड़, जिसे साफ देखा जा सकता है। शरद यादव ने कहा कि कांवड़ियों की भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में कितनी बेरोजगारी है। इनके पास काम होता तो ये सड़कों पर नहीं दिखते। इस पवित्र महीने में लोग जल भरकर कांवड़ यात्रा करते हैं, इस जल को शिव पर अर्पित भी करते हैं, लेकिन शरद यादव को इसके पीछे आस्था नहीं बल्कि बेरोजगारी एक बड़ी वजह नजर आ रही है। यादव ने कहा कि इन कांवड़ियों से सड़कों पर जाम लगता है और अब इस विवाद में फंस गए हैं शरद यादव, जहां कांवड़ियों को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उनकी बेरोजगारी को ही इस कांवड़ यात्रा का प्रमुख कारण बताया है। कोई त्योहार होता है जिसमें ये कांवड़िये बड़े पैमाने में निकलते हैं, सावन वाला, यानी हालात जो है वो सड़कों जो है वो इस सावन के त्योहार में जो पानी ढालने वाले हैं, सबसे बड़ा नज़ारा बेकारी बेरोजगारी का वहाँ देख सकते हैं। बड़ी भीड़ बढ़ रही है कांवरी है, वो इतनी बड़ी भीड़ नहीं होती यदि मोलों को काम होता तो। तो यानी कि जो कांवड़िये निकलते हैं उनका आस्था से कोई लेना देना नहीं है शरद यादव के मुताबिक, और वो बेरोजगार हैं इसलिए वो कांवड़ यात्रा पर जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। फिलहाल संत बेहद नाराज हैं और इसकी निंदा कर रहे हैं बयान की। मैं मानता हूं अगर शरद के मन में भगवान के प्रति भावना नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनको इस तरह से किसी पे नहीं बोलना चाहिए। मैं तो बिल्कुल निंदा करता हूं, सारा संसमान निंदा करता है और इस आस्थावान कांवड़ियों को मैं प्रणाम करता हूं। और अगर ऐसा ये लोग करते हैं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है, लोगों की आस्था और श्रद्धा का मखौल उड़ाते हैं, ऐसे के राजनेताओं की जीभ काट लेना चाहिए, इनको कड़ा से कड़ा सामाजिक दंड देना चाहिए। इनकी हिम्मत नहीं कि दूसरे धर्म और संस्कृति वालों को अनर्गल बोले। हिंदू धर्म विरोधी है, उसे ज्ञान ही नहीं है। कांवड़िये शिव भक्त हैं, ये हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है। शरद यादव जी का इसका ज्ञान नहीं है, वो मूर्खतापूर्ण बयान देते हैं। और इस वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी के नेताओं को देखकर ऐसा लग रहा है मानो उन पर सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है, और यही वजह है कि आए दिन कोई ना कोई घटना ऐसी जरूर आती है जब कोई नेता किसी अधिकारी को धमका रहा होता है। अब शाहजहांपुर की घटना ले लीजिए, एसपी जिलाध्यक्ष तनवीर खां की दबंग यहां देखने को मिली है। दबंग जिलाध्यक्ष ने महिला जिलाधिकारी को उनके ही चैंबर में घुसकर अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली, लेकिन कैमरा देखा तो जिलाध्यक्ष आपसी मामला बताकर पल्ला झाड़ते नजर आए। फिलहाल मामला एसपी नेता से जुड़ा है तो इस वजह से जिलाधिकारी भी कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर से साफ है कि किस तरह से यहाँ पर जो जिले के बड़े अधिकारी होते हैं अगर उनके साथ ये रवैया है एक जिलाध्यक्ष का, तो सोचिए बाकी लोग किस तरह का दबाव यहाँ पर डालते होंगे, चाहे वो कानून व्यवस्था की हम बात करें या फिर प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करें। बैठिए, वो तरीका हुआ।
चौराहे पर ट्रैक्टर चेकिंग के दौरान हुए दो युवकों की मौत के मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस कप्तान देवरंजन वर्मा ने कौसमा चौकी इंचार्ज समेत 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित तो किया ही, साथ ही चौकी इंचार्ज उदयवीर सिंह समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के भी आदेश दे दिए हैं। मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने युवकों की पीट पीट कर हत्या कर शव को तालाब में फेंकने का जो आरोप लगाया था उसके बाद एक कार्रवाई हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हो गया है कि दोनों युवकों की मौत डूबने से नहीं हुई है बल्कि मौत से पहले दोनों को जमकर पीटा गया था। केस दर्ज होने के बाद ये सभी आरोपी पुलिसकर्मी फरार हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल दो युवकों की जो मौत हुई थी पुलिस ने उसे इस तरह से दिखाने की कोशिश की कि यहाँ डूबने से मौत हुई, लेकिन परिजन लगातार इस बात को लेकर यहाँ पर अड़े हुए थे कि पुलिस की पिटाई से मौत हुई है। तब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी परिजनों के आरोप सही पाए गए हैं उसके बाद यहाँ कार्रवाई हुई है। तो फिलहाल जो आरोपी पुलिसकर्मी है वो अभी फरार बताए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोगों का गुस्सा जो पुलिसकर्मियों पर उतरा। इसके अलावा जो दो लोग मारे गए हैं इस घटना में वो तस्वीरें और ग्रामीणों का आक्रोश आप इनमें देख सकते हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल अभी अभी लिखी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो कॉज ऑफ डेथ है वो एंटीमार्टम इंजरीज है, यानी कि मृत्यु से पहले उनके साथ मारपीट की गई है। दोनों जो मृतक हैं उनकी पत्नियां टूटी हुई हैं, तो इस बात से बिल्कुल ही स्पष्ट ये दृष्टिगत होता है कि जो भी वहाँ पर पुलिसकर्मी थे जिनके खिलाफ FIR दी जा रही है उन लोगों ने मृतकों को मारा पीटा है और उसके बाद उनकी बॉडी ले जाकर उन्होंने तालाब में डाल दी है। इसमें 4 पुलिसकर्मी हैं, 2 होमगार्ड हैं और 2 जो भट्टा मालिक है उनको नामित किया गया। टोटल 8 लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा लिखा गया। कानपुर के अहिरवा पुलिस चौकी में हुई कमल बाल्मीकि की मौत पर परिजनों ने पुलिस पर पीट पीट कर मारने का आरोप लगाया है। मृतक के परिजन पोस्टमार्टम हाउस में इस मांग को लेकर बैठ गए कि जब तक आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वो शव को नहीं उठाएंगे। मामला दलित का होना था से जुड़ा था तो इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद राजराम पाल ने पोस्टमार्टम हाउस में मृतक के परिजनों से मुलाकात की, प्रदेश सरकार के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया। केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं मैं तत्काल उनकी गिरफ्तारी चाहता हूं। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम यहां से मिट्टी को भी नहीं लेंगे। हमें तत्काल गिरफ्तारी चाहिए उन लोगों की। पुलिस ने हमसे 12 घंटे का समय लिया था, 12 घंटे अब तक कुछ ही समय में पूरे हो जाएंगे। अभी तक उसमें किसी लोगों की गिरफ्तारी उन्होंने हमको नहीं दिखाई कि गिरफ्तारी हुई। हमें केवल उन सबकी गिरफ्तारी चाहिए। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी सरकार पर भी इस मसले को लेकर निशाना साधा है। की सरकार की विफलता के रूप में देखता हूं। श्री अखिलेश यादव जी सभी मोर्चों पर फेल हैं, वो प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं और पूरी तरह से निरंकुशता का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर व्याप्त है और इस कारण से पूरे प्रदेश में कहीं पीट करके मार डाला जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो कहीं अपराधियों के मनोबल बढ़े होने के कारण पुलिस को ही मारा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। श्री अखिलेश यादव जी को फिर मैं दोहराता हूं, अपना पद त्याग करके और उत्तर प्रदेश के अंदर जो अराजकता का माहौल है इससे मुक्ति दिलाने का मार्ग प्रशस्त करें। गाजियाबाद का एक परिवार सिरफिरे आशिक के डर से यहां पर इन दिनों हलकान है। हालांकि पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया लेकिन अब भी सिरफिरे आशिक का डर परिवार के दिल में कुछ इस तरह से घर कर गया है कि वो अपने आप को घर के अंदर कैद करने को मजबूर है। इन दो तस्वीरों में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक तरफा प्यार की दास्तान है। बस फर्क इतना है कि एक फिल्मी है और एक हकीकत। पहले जरा इस सिरफिरे आशिक की धमकी को आप सुन लीजिए। पुलिस की मौजूदगी में ये धमकी बहुत कुछ कहती है। आशिकी जब सिर चढ़कर बोलती है तो अंजाम काफिलाना हो जाता है। हाथों में जख्म और दिल में इस बात का डर कि सिरफिरे आशिक कुछ भी कर सकता है। हाँ, उसने कहा था कि मैं तेरी स्थिति ऐसी बना दूंगा या तो तेरी इज्जत खराब कर दूंगा, तुझे उठा के ले जाऊंगा। मेरे भाई ने फ्लैट ले रखा है वहाँ पे, तुझे ले जाऊंगा, फिर तेरे साथ ऐसा कुछ कर दूंगा कि तेरे घर वालों को शादी मेरे से ही करनी पड़ेगी। मैं स्थिति ऐसी बना दूंगा तेरे साथ। घर से निकलते हुए डर, कहीं जाते हुए डर, ऑफिस न जा पाना मानो जिंदगी जेल हो गई हो। सिरफिरे आशिक ने कई बार पीड़िता का पीछा किया, उसे शादी करने के लिए धमकाया भी, पर जब वो नहीं मानी तो आशिक उसकी जान तक लेने से पीछे नहीं हटा।
सर कुछ नहीं है, वो आवारा है, मुझसे शादी करना चाहता है, मेरे अंदर उसने इतना खौफ बैठा रखा है, हर वक्त हथियार ले घूमता है। मैं ऑफिस में काम करती हूँ, वहाँ पे भी वो मुझे परेशान करता है कि तू यहाँ पे आ जा, मैं तुझे मार दूंगा जान से, या तो तुम इससे शादी करेगी या मैं तुझे जान से मार दूंगा। साथ पुलिस का हो तो अंजाम का डर किसे रह जाता है। गाजियाबाद पुलिस के सामने जब ये पूरा मामला आया तो समझौता कराने की कोशिश की गई। समझौता ऐसा कि पुलिस ने लड़की पर ही ये दबाव बना डाला कि वो सरफिरे आशिक से शादी कर ले। हालांकि जब मामला खुला तो पुलिस के बीच की कार्रवाई को लेकर बहस भी साफ दिखी। ये कल तुम्हारी जानकारी में था ये मामला, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? ये मामला मैं इन सब बच्चों के सामने बैठा। फिलहाल सरफिरे आशिक को हिरासत में ले लिया गया। ये एक साथी मतलब रहते हैं, ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसको काफ़ी दिन से इसका पीछा कर रहा था जैसा कि उनके द्वारा बताया गया, और आज उसके द्वारा लड़की का पीछा करते हुए उस पर जो है चाकू से हमला किया गया और उसके पिता की से तहरीर लेकर के उसकी उम्र जो है 354 का जो है अभियोग दर्ज कर दिया गया। सरफिरे आशिक से पूछताछ जारी है। लड़की के परिवार को पुलिस ये भरोसा दिला रही है कि वो सुरक्षित है, पर सरफिरे आशिक की देख लेने की धमकी पीड़ित परिवार के दिल में मानो डर बनकर बैठ गई है। बदीउज़्ज़मा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। खबरों में और ये आपको लिए चलते हैं जहां के कुदरकोट कस्बे में एक मकान इन दिनों कौतूहल का विषय बना हुआ है। दरअसल मकान के आंगन में अचानक एक 20 फीट गहरा गड्ढा नजर आने लगा और जब उस गड्ढे में उतरे तो देखा दरअसल यहां एक पूरी सुरंग थी, लेकिन सुरंग के अंदर लोग बहुत ज्यादा नहीं जा पाए क्योंकि अंधेरा था। फिलहाल सुरंग की खबर मिलने के बाद लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर सुरंग में जाकर देखने लगे तो पता चला कि तो बहुत लंबी सुरंग है। लोग जैसे तैसे 30 फीट अंदर तक तो चले गए लेकिन उसके बाद आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कुदरकोट कस्बे को पहले कुंदनपुर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से रुक्मणी को भगाया था। लोगों का ये कहना है कि ये वही सुरंग है जिससे भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को अपने साथ लेकर गए थे। तो फिलहाल अभी कौतूहल यहाँ पर बना हुआ है कि आखिर इतनी लंबी सुरंग यहाँ पर किसने बनाई और इसका राज क्या है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि अब तक कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। फिलहाल लोग ही अपने अपने जो भी जिज्ञासाएं हैं वो शांत करने के लिए खुद यहाँ पहुंच रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि सुरंग के थोड़ा और अंदर तक जाएं, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा है कि 30 फीट से आगे जाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। लोगों का कहना है कि 3 दरवाजे इस सुरंग के नजर आ रहे हैं, तो लोगों में कहीं ना कहीं जो आस्था है वो भी यहाँ पर इससे जोड़कर देख रहे हैं और कौतूहल बना हुआ है। हम इस वक्त औरैया की कुदरकोट की उस सुरंग में मौजूद हैं जिसको लेकर कई सारी रहस्यमय बातें की जा रही हैं। बात यह भी कही जा रही है कि इस कुदरकोट का नाम पहले कुंदनपुर था, वो कुंदनपुर जहां रुक्मणी रहा करती थी, वो कुंदनपुर जहां पर रुक्मणी का तेल संस्कार हो रहा था और तब भगवान कृष्ण उन्हें लेने पहुंचे थे। इस सुरंग का ताल्लुक उससे भी बताया जा रहा है। हम उसी सुरंग में मौजूद हैं जहां पर ये 3 दरवाजे हैं, 3 रास्ते हैं, अलग अलग तरफ दिख रहे हैं। ये पहला रास्ता यहां पर देख सकते हैं आप, जहां तक ये रोशनी जा रही है आगे भी रास्ता बना हुआ है और ये आगे गया हुआ है रास्ता, और इसके आगे 2 रास्ते और बताए जा रहे हैं। हालांकि मिट्टी जो है वो इतनी सकरी है और रास्ता इतना सकरा है कि आगे जा नहीं सकते, लेकिन ये चारों तरफ आप देख सकते हैं लाखौरी पत्थर लगे हुए हैं। पुराने ज़माने में इसी तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा दरवाज़ा ये है जो आगे की तरफ जाता है और कई सारे रहस्यों से जुड़ी हुई इस गुफा को बताया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि इस इलाके में पहले भी ऐसी कई प्राचीन गुफाएं निकल चुकी हैं और इनका ताल्लुक महाभारत काल से हो सकता है। साथ ही ये तीसरा रास्ता है जो आगे की तरफ जाता है। ये तीनों रास्ते अलग अलग दिशाओं में बने हुए हैं। तीनों रास्तों का अंदर से जो कंस्ट्रक्शन है वो लाखौरी पत्थर से किया गया है। हालांकि फिलहाल ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस पूरे गुफा के बारे में, सुरंग के बारे में बताया गया है और जल्द ही इस टीम को यहाँ पर पहुँचने में जितना भी वक्त लगता है उससे पहले समाचार प्लस आपको दिखा रहा है कि इस रहस्यमय गुफा में आखिर क्या हो सकता है, आखिर इस रहस्यमय गुफा का
सीधे लखनऊ ले चलते हैं जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था कि कौन ऑटो, वो तो अननोन मान के चल रही थी व्यक्ति को। आगे बढ़ेंगे, खबर हापुड़ से है जहां 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और बच्ची बेहोशी की हालत में खेत में मिली। गंभीर हालत में फिलहाल बच्ची को मेरठ रेफर किया गया है और नाराज लोगों ने NH-24 पर जाम लगवा दिया। पिलखुआ कोतवाली के गांव खेड़ा की घटना है जहां 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया, तो बच्ची काफी बदहवास और बेहोशी की हालत में मिली है जिसके बाद उसे मेरठ रेफर कर दिया गया है, इलाज चल रहा है। नाराज लोग इस घटना से और उसके बाद NH-24 पर जाम लगा दिया है। तो लगातार जो घटनाएं राज्य में आ रही हैं, तो किसी भी उम्र की वो चाहे बच्ची हो या महिला हो या बुजुर्ग हो, उन्हें नहीं बख्श रहे हैं अपराधी। तो एक और बेहद घृणित और बड़ा ही शर्मनाक जो मामला है वो सामने आया है जहां एक 5 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है अपराधियों ने और उसके बाद बच्ची बेहोशी की हालत में खेत में मिली है जिसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से लोगों में काफी गुस्सा है और NH-24 पर जाम लगा दिया। और कानपुर से खबर है जहां एक के बाद एक 6 गाड़ियां आपस में टकराती चली गई जिसके बाद गड्ढे में गिरी गाड़ी में ट्रक चालक और क्लीनर फंसे हैं। हादसे में 6 लोग जख्मी हुए हैं और इनकी हालत गंभीर है। पनकी थाना क्षेत्र के भौती पुल की एक घटना है जहां पर एक एक करके 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई और जो सबसे आगे वाली गाड़ी थी वो गड्ढे में गिर गई। इसके बाद जो घायल है उनको फिलहाल निकालने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं घटना स्थल की, कानपुर से ये तस्वीरें हैं जहाँ 6 गाड़ियां आपस में टकरा के, देखिए आपकी ट्रक पूरी तरह से पलट गया जिसका ड्राइवर और क्लीनर गड्ढे में फंस गए। तो 6 लोग जख्मी हुए हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, फिलहाल सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है।